हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में फिर एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, मैं अभी जा रहा हूँ बेटलनट लीफ जो फान बोलता है उसको मैं कैसे कैसे उगाता है तो उसको मैं आप लोग को दिखाना जा रहा हूँ। जो उसका जो क्रीपर है यानी कि क्लेम्बर जो बोलता है इंग्लिश में, तो उसी में मैं लगाने जा रहा हूँ। जो पान का जो क्लाइंबर है उसको लगाने जा रहा हूँ। आप लोग देख सकते हो, ये देख सकते हैं दोस्तों। तो मैं ये अभी उगाने जा रहा हूँ, इसे लेता हूँ। उसके बाद ये जो, तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें अभी आप लोग ये जो पान का जो क्लाइंबर है, ये जो स्टीम है, जो ये स्टीम है, स्टीम है, तो ये देख सकते हैं आप लोग, इसमें पान आया है। ये पान है, ये पान है, ये देख सकते हैं, ये पान है दोस्तों, देख सकते हैं। आप लोग समझ गए होंगे ये किसका क्लाइंबर है। तो ये पान का क्लाइंबर है, तो इसको मैं उगाने जा रहा हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, मैं उगाने जा रहा हूँ इसको। तो मैं एक जगह में जाकर इसको उगाता हूँ, ले लेता हूँ मैं। तो अभी हम तो मैं अभी जा रहा हूँ। जगह में इसको कौन सा पेड़ में उगाएगा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। पानी रहेंगे का नीचे में लगा देगा, उगाएंगे। तो पहले इसको थोड़ा सा गंदा कूटना है, पहले इसको साफ करते हैं, साफ करते हैं इसको पहले। इसे करके गंदा थोड़ा, इसे करके गंदा गंदा थोड़ा कूटना है। ये जो सुपारी का पेड़ है उसका जस्ट बगल में, तो इसको ऐसे करके आता बनने के बाद, ये जो देख सकते हैं दोस्तों, इसमें जो अभी जड़ जो है, इसका जड़ देख रहे हो आप लोग, ये वाला, ये जो जड़ है, ये जो जड़ है मतलब उसका रूट है, जो वो रूट को इसमें लगाएंगे। रूट को अंदर डालना है, मिट्टी का अंदर डालना है रूट को, फिर ये उस बस पाएगा, नहीं तो ये मर जाएगा। ऐसा करके लगाएंगे, तो इसमें थोड़ा, ये जो जड़ है इसमें जड़ है, तो ये जड़ ऐसा करके डालना है जमीन का अंदर, ऐसे करके रख देना है। जमीन के अंदर रखने के बाद तो उसका ऊपर में थोड़ा मिट्टी डालना है दोस्तों, ऐसे करके मिट्टी दे देना है, उसका ऊपर मिट्टी दे देना है। ये थोड़ा टाइट करना है ऐसे करके, नहीं तो ये टाइट नहीं होगा और धूप मिलने से ये खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, ये बस नहीं पाएगा। तो इसीलिए इसको ऐसे करके मिट्टी से दबा देना है। तो इस आप लोग जो देख सकते हैं, ये जो जड़ है, ये जड़ है, ये मिट्टी का अंदर जाएगा तो ये सही रहेगा। तो मैं साइड से मैं मिट्टी लेता हूँ,
एक्स्ट्रा मिट्टी लेता हूँ इसे साइड से, तो ऐसे करके लेता हूँ दोस्तों, इसे लेता फिर देता हूँ। और जो ये है इसमें जो जड़ नहीं है तो इसको बाहर में रखना है, क्योंकि इसमें पान जो आया है ये जब थोड़ा बसने लगेगा, थोड़ा ये बढ़ते जाएगा, तो फिर ये जो पेड़ है सुपारी का पेड़, तो इसमें ऐसा करके देने से तो ये सड़ जाएगा, पेड़ का ऊपर सड़ जाएगा ऐसा करके, तो ये ऐसा करके फल बन जाएगा। इसका यही प्रोसेस है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इसका प्रोसेस ऐसा करके लगा बचा हुआ है, ये इसका दिखाएंगे। मैं जो पेन एक बार उगाया हूँ, लगाया हूँ, उसमें कैसे करके फंस गया वो, कैसे आया है उसका पान है, टाइट है ये फूटने में, थोड़ा पूरा ये टाइट है मिट्टी, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है सकते हैं इसमें, क्योंकि इसका सुपारी का जो जड़ है वो साइड में आ गया है, तो इसलिए ये मिट्टी टाइट हो गया, देख सकता है दोस्तों। किसे करके इसको उगाता हूँ, जो ये पान का जो क्लेम्बर है, जो पान का क्लेम्बर देखो दोस्तों, ये जो स्टीम आप लोग देख रहे हैं ये स्टीम, तो ये स्टीम से और अलग से पान निकल आएगा, नया स्टीम बनेगा, नया स्टीम निकल आएगा, उसके बाद पान निकल। तो ये जो हम लोग जड़ देख रहे हैं, ये जो जड़ है जर को मिट्टी में, मिट्टी के अंदर डालना है, इसको उगाएंगे ऐसे करके पकड़ते हैं, सारा का सारा यहाँ पे दे देंगे एक ही जगह में दोस्तों, ऐसे करके थोड़ा अंदर दबा देंगे इसको, अंदर ऐसे करके दबा देंगे और मिट्टी दे देंगे इसका ऊपर, ऐसे करके मिट्टी दे देंगे और साइड से मिट्टी अलग से लेके देता हूँ, ये जो से मिट्टी दे रहा हूँ इसका ऊपर, ऐसे देने से इसको थोड़ा दबा देता हूँ, टाइट करता हूँ, तो ये टाइट हो गया है अभी, और थोड़ा डाल और थोड़ा मिट्टी डालता हूँ इसमें, ऐसा करके मिट्टी डालता हूँ, दबा देता हूँ, तो ये टाइट हो गया दोस्तों। अभी इसका जो ये जो क्लेम्बर है, फल का क्लेम्बर जो है, ये अभी इसमें पानी देना पड़ेगा, कभी कभी पानी देना पड़ेगा सुबह शाम, इसको पानी देने के बाद तो ये बच जाएगा, उसके बाद इसमें स्टीम आ जाएगा, स्टीम आने के बाद पानी निकल आएगा, उसके बाद इस सुपारी का पेड़ में वैसे करके रख देने से ये सड़ जाएगा। तो दोस्तों मैं अभी आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, मैं पहले जो पान जो है वो मैं कैसे उगाया हूँ और वो पास के कैसे पान निकल आया है, देखो होगा इसलिए, देखो ये देखो दोस्तों, ये बिल्कुल पुराना वाला है, ये देखो दोस्तों पूरा पुराना वाला है ये। मैं ऐसा करके अभी जो हम लोगों को मैं दिखाया हूँ, जो हमने
उगाया हूँ अभी जो देखा दिया अब, तो उसी से ये मैं इस तरह से लगाया। तो दोस्तों आप लोग मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये है दोस्तों मैं ये लगवाया हूँ, ये इसमें उगाया है मैं, ये मैं उगाया है। उगाने का बाद तो अभी ये पूरा बच गया है, ये अभी देखो नया जो ये देख रहा है आप लोग, जो ये देख रहा है दोस्तों, ये नया पान निकाल आ रहा है, जो इसमें छोटा सा जो इसमें जो स्टीम था, तो स्टीम से निकाल के ये इतना बड़ा होके आया है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, ये है दोस्तों ये पान निकाल आया है दोस्तों, ये दोस्तों पहले तो ये थोड़ा था, ये जो पान आप लोग खराब होकर देख रहे हैं थोड़ा सा, ये तो पहले था जिसमें मैं आप लोग को दिखाया हूँ, वो जैसे पान था ऐसा करते हैं, तो जो ये आप लोग जो छोटा छोटा देख रहे हैं, ये नया पान निकाल आया है, तो ये भी बच गया है दोस्तों। मैं अभी ये उगाया हूँ, उगाने के बाद मैं इसको लगा दिया, उसके बाद ये देखो नया बढ़ के कैसे आ रहा है, तो ये और बड़ा बड़ा हो जाएगा, तो इसका मैं सुपारी का पेड़ का ऊपर इसको सरने के लिए दे देगा, तो ये बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, थैंक यू दोस्तों।